तो टॉपिक का नाम मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या मैक्सिमा मिनिमा क्या टॉपिक है। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे वाई डिस्प्लेसमेंट है और टी फॉर टाइम है, और मैंने कोई भी रैंडम ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ग्राफ बना दिया मैंने। इस ग्राफ में कुछ पीक्स दिख रही हैं आपको, चोटियाँ दिख रही हैं पीक्स, और कुछ टॉप पे दिख रही हैं और कुछ बॉटम पे भी दिख रही हैं, है ना। बिल्कुल बॉटम लाइन है, ये बिल्कुल बॉटम की पीक है और ये टॉप की पीक है, राइट। ऐसे ही है, तो इसमें वाई की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज। ये बात समझ में आ रही है कि वाई की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर मैं ये पूछूं कि वाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर वाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये पीक सबसे हाईएस्ट है, तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ सिर्फ पीक्स कहाँ पर दिख रही हैं, टॉप की पीक्स कहाँ दिख रही हैं, आप बोलेंगे ये टॉप की पीक है, ये है, ये है और ये है। और अगर मैं पूछूं कि बॉटम की पीक कहाँ पर है, देखो ये बॉटम की पीक है क्योंकि नीचे भी डिप मार रहा है ये ग्राफ, तो ऊपर गया तो टॉप की पीक है, नीचे आया तो बॉटम की पीक है। पीक तो है ही नहीं, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, तो टॉप है और बॉटम है, और बीच में वाई की वैल्यू क्या हो रही है, चीज़ वो टॉप पे चला जाता है वाई बढ़ जाता है, जब नीचे बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है वाई कम हो जाता है, ऐसा ही है। अगर मैं ऐसा पूछने की बजाय कि वाई की वैल्यू बताओ, मैं ऐसा पूछूं कि सपोज करो ये ग्राफ है, इसके ऊपर अगर मैं स्लोप निकालूं किसी भी पॉइंट पर, तो स्लोप यहां पर ऊपर जाते हुए क्या हो रही है, कम 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 कम, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो, और फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जीरो, और फिर स्लोप बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मींस मैं ऊपर जा रहा हूं और फिर मैं टॉप पे आ जाता हूं। तो जितने भी टॉप के पॉइंट्स हैं और जितने भी बॉटम के पॉइंट्स हैं, स्लोप वहां पर जीरो है, चेक कर लो, मानते हो ये बात। बीच में चाहे स्लोप होती होगी, ऊपर चढ़ते हुए भी और नीचे उतरते हुए भी स्लोप्स हैं, लेकिन टॉप और बॉटम के पॉइंट्स पे स्लोप एग्जैक्टली क्या है, जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसे ग्राफ में जहां पर स्लोप जीरो है, या तो वो पॉइंट बिल्कुल टॉप का होगा या वो पॉइंट एकदम बॉटम का होगा। तो जिसने नाम रखा उसे टॉप के पॉइंट का नाम क्या रखा, मैक्सिमा, और बॉटम के पॉइंट्स का नाम क्या रखा, मिनिमा। तो हम यहां पर सिर्फ इंटरेस्टेड हैं टॉप के पॉइंट्स में और बॉटम के पॉइंट्स में, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक, क्लियर है यहां तक? तो टॉप और बॉटम के पॉइंट्स में इंटरेस्टेड है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसके अंदर अगर मैं यहां पर यह पूछूं कि ये वाई एक्सिस है और ये टी एक्सिस है, तो स्लोप कैसे निकलेगी, तो आप क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी टी। स्लोप क्या होती है, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि वाई एक्सिस ये टी एक्सिस हमने किया भी था, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं याद है, टेंजेंट ड्रॉ करते थे मोशन के अंदर, ये डी वाई और ये डी टी, तो स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी टी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर, इस टॉप के पॉइंट पर, ये रहा मैक्सिमा के पॉइंट पर, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? टॉप और बॉटम के ऊपर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, राइट, क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर टॉप और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू जीरो, समझ में आ गया। और यही चीज मैंने यहां लिखी हुई है कि डी वाई बाई डी टी स्लोप है, टॉप पे स्लोप जीरो है, बॉटम पे स्लोप जीरो है, तो स्लोप डी वाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। अब एक और चीज समझने वाली है, वो क्या पॉइंट, अब ये है कि स्लोप कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर आप ग्राफ के ऊपर नीचे जा रहे हैं, स्लोप बढ़ भी रही है, स्लोप कम भी हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर मोशन चैप्टर करते थे, मोशन चैप्टर में एक्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी, आप क्या निकालते थे, वी। फिर मैं कहता था वी भी चेंज हो रहा है, आप क्या करते थे, डी वी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी कैन बी कैलकुलेटेड, क्या आती थी, एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, आप क्या निकालते थे, डी ए बाई डी टी। कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रही हो, उसका रेट ऑफ चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, समझ में आ रहा है कैसे, उसे डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर पहले मैंने बोला वाई चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, तो आपने कहा डी वाई बाई डी टी स्लोप। अब मैं कह रहा हूँ यार स्लोप ही चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालोगे, स्लोप कैसे चेंज हो रही है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, पहले मैंने बोला कि वाई चेंज हो रहा है, मैंने इसमें बोला वाई चेंज हो रहा है, तो जब वाई की वैल्यू चेंज हो रही है
तो उस केस में क्या करना था हमें, डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी होती क्या है, स्लोप। तो अब मैं कह रहा हूँ स्लोप चेंज हो रही है, अगर स्लोप चेंज हो रही है तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या देगा वो बात अलग है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या देता है बाद में डिस्कस करेंगे, पर कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है उसका रेट ऑफ चेंज तो निकाला जा सकता है, और कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही आएगा, कम से कम कॉन्स्टेंट तो नहीं आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर डी वाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है, और स्लोप अगर चेंज हो रही है तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब स्लोप को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी। तो हमने डिफ्रेंसिएशन में किया था, डिफ्रेंसिएशन की डिफ्रेंसिएशन डबल डिफ्रेंसिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इस चैप्टर में डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर आपको क्या देती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देती है। डी वाई बाई डी टी आपको वाई का स्लोप, वाई का चेंज देती है, डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई आपको स्लोप का चेंज देती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसका मतलब क्या है बताऊंगा अभी। पहले ये बताओ कि टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्लोप हमेशा क्या होती है, जीरो, और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, जीरो। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? दूसरा पॉइंट है कि अगर वाई की वैल्यू ए टी स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन है कि वाई की वैल्यू है किसी क्वेश्चन में गिवन ए टी स्क्वायर माइनस 40, ठीक, ए टी स्क्वायर माइनस 40, और क्वेश्चन है फाइंड टाइम, मुझे टाइम समय बताओ, टाइम बताओ व्हेन y की वैल्यू या तो मैक्सिमम हो या y की वैल्यू मिनिमम हो। अब y की वैल्यू मैक्सिमम हो या y की वैल्यू मिनिमम हो, इसका मतलब y की स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगी, मिनिमम या मैक्सिमम पर, जीरो। हमने भी डिस्कस किया कि y अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो इसमें वेरिएबल कौन है, टाइम, टाइम के साथ y चेंज हो रहा है। तो अगर मैं dy बाई dt निकालूं तो मेरे को क्या पता लगेगी इसकी स्लोप, और बॉटम और टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लोप हमेशा क्या होती है, जीरो। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी y की वैल्यू जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 80 स्क्वायर माइनस 40 y की जगह पुट किया, इसे डिफ्रेंशिएट किया, इक्वल टू जीरो कर दिया, और सॉल्व करके मेरे पास टाइम आ गया 1/4 सेकेंड। अब टाइम 1/4 सेकेंड में मुझे यह समझ में आ गया कि y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या y की वैल्यू यहां पर मिनिमम होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मैक्सिमम या मिनिमम के अंदर इस टाइम t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड पर ये तो मैं बता पा रहा हूं कि y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या y की वैल्यू मिनिमम होगी, पर ये नहीं बता पा रहा कि मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, हो कुछ भी सकती है। पॉइंट क्लियर है? बताना मुझे चाहिए एक आंसर कि भाई टाइम t इक्वल टू 1/4 पे y मैक्सिमम है, पर मैं बता नहीं पा रहा, मैं क्या बता पा रहा हूं, या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। यहां तक क्लियर है? तो आज के बाद अगर कोई भी y की वैल्यू गिवन हो और उसको पूछा जाए कि y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, तो उसको क्या कर देना, डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो। ये मैथमेटिकल रूल याद रखना। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, अब अगर मैं स्लोप चेंज हो रही है और स्लोप को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैंने समझा दिया आपको क्या होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, कैसे पता लगता है कि आप मैक्सिमा के पॉइंट पे खड़े हुए हो या आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे खड़े हुए हो। कोई कहता है ऐसे पता लगता है कि जब मैं पहाड़ चढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, और फिर एकदम मैं नीचे आया तो मुझे पता लगा कि यार मैं पहाड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हूं। और कोई कहता है जब मैं नीचे जा रहा था एकदम मैं ऊपर आ गया, इसका मतलब मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हूं। लॉजिक है, अगर आप ऊपर जाते हुए नीचे उतर रहे हैं तो टॉप के पॉइंट पे हैं, नीचे उतरते हुए ऊपर उठ रहे हैं आप बॉटम के पॉइंट पे हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे समझाया कि अगर आप यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं तो स्लोप कम 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 होती हुई जीरो हो रही है, जितना ऊपर चढ़ेंगे स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रही है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो रही है, और फिर स्लोप यहां पर पॉजिटिव है, फिर यहां पर स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव। नीचे उतरने में स्लोप नेगेटिव, ऊपर चढ़ने में स्लोप पॉजिटिव। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब स्लोप पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव होती है तो इसका मतलब कौन से पॉइंट पर है, मैक्सिमम। स्लोप यहां पर पॉजिटिव थी, फिर जीरो थी, फिर नेगेटिव हो गई, इसका मतलब मैं मैक्सिमम के पॉइंट पे हूं। उल्टा, जब मैं यहां पर हूं तो स्लोप मेरी नेगेटिव है, फिर जीरो है, और फिर मैं ऊपर चढ़ रहा हूं तो स्लोप मेरी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, इसका मतलब मैं कौन से पॉइंट पर हूं, मिनिमा के पॉइंट पे हूं। तो समझ में आ रहा है कैसे पता लगता है? तो कैसे पता लगता है कि अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब आप टॉप के पॉइंट पे हैं, और अगर आपकी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब आप मिनिमा के पॉइंट पे हैं। पॉइंट समझ में आया यहां तक? कैसे पता करते हैं,
या कैसे पता लग सकता है हमें, ये भी लॉजिक क्लियर है। अब स्लोप इसका मतलब चेंज हो रही है, तभी आप ये बातें कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब स्लोप चेंज हो रही है, तभी बता पा रही हो कि मैं टॉप के पॉइंट पर या फिर मैं बॉटम के पॉइंट पे हूं। तो स्लोप के चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, अभी हमने किया। तो फाइनली अगर फाइनल स्लोप का साइन नेगेटिव है, फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, अब नेगेटिव कब हुआ होगा, नेगेटिव तब हुआ होगा पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, इसका मतलब आप कौन से पॉइंट पर हैं, मैक्सिमा। तो अगर आपकी स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब कौन से पॉइंट पर है, मैक्सिमा। और अगर मान लो आपकी स्लोप पहले नेगेटिव थी पर अब क्या हो गई, पॉजिटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आपका पॉजिटिव हो गया, तो पॉइंट क्या है, मिनिमा। और अगर जीरो पे खड़ा हुआ है तो यानी ना तो आप नीचे उतर रहे हैं ना ऊपर हैं, आप किस कुछ भी नहीं है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। तो कैसे चेक करना है, समझ में आ रहा है, ये तो है थ्योरी, अब इसको लगाना कैसे है? जैसे क्वेश्चन है कि वाई की वैल्यू आपको गिवन है, आपको फिर से टाइम टी बताना है, टी बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि वो टाइम बताओ कि जब वाई की वैल्यू मैक्सिमा या फिर मिनिमा, इन दोनों में से एक होएगी। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैक्सिमा भी खड़े हैं या मिनिमा भी खड़े हैं, आप एक टाइम पे एक ही जगह, या तो आप टॉप पे खड़े होंगे या बॉटम पे खड़े होंगे, दो जगह एक साथ नहीं खड़ सकते आप। तो इसलिए अभी तक हमें ये चेक किया कि कोई हमें बता दे, है ना, या तो क्वेश्चन वाला पूछने वाला ही बता दे कि भैया तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा चेक ही नहीं करना, तुम्हें बस ये गिवन है, तुम्हें क्या करना है, वाई की वैल्यू जो है, जो वाई की वैल्यू है बस बतानी है कि मैक्सिमा कब होगी, टाइम बताओ जब वाई मैक्सिमा है, बात खत्म। यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम चेक करें कि वाई मैक्सिमम या मिनिमम होगा, या हमें सीधे ही पूछ ले कि भैया तुम बता दो, टाइम बताओ कब मिनिमा होगा, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले को ऑलरेडी पता ही था कि यहाँ पर पॉइंट पर टाइम टी इक्वल टू 1/4 पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, तो हमारी हेडेक खत्म है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ ले कि तुम बताओ कि वाई यहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये भी बताओ, टाइम तो बताओ बताओ, हिसाब में ये भी बता दो कि यहाँ पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम पाई जाएगी टी इक्वल टू 1/4 पे या मिनिमम होगी, ये भी बताओ। तो उसके लिए क्या करना है, आपने पहले वाई को मान लो मैक्सिमा या फिर मिनिमा कुछ भी करना हो, पहला स्टेप तो क्लियर है, स्लोप क्या होगी मैक्सिमा मिनिमा पे, जीरो, पहला स्टेप क्लियर है। आपने वाई की वैल्यू को पुट किया, डिफरेंशिएट किया, टाइम की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, 1/4 सेकंड, तो आपको ये पता लग गया टाइम टी इक्वल टू 1/4 सेकंड पर वाई की वैल्यू या मैक्सिमा होगी या फिर मिनिमा होगी, खत्म कहानी। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि टाइम टी इक्वल टू 1/4 सेकंड पर मैक्सिमा आंसर बोलना है या मिनिमा बोलना है, तो इसके लिए चेक करने के लिए आप y की वैल्यू को लिखें फिर से जो गिवन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, जब आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy by dt, जो भी आंसर आया उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप d² / d² y / dt² निकालें। कैसे लिखते थे याद है, डिफरेंशिएशन में स्क्वायर को ऐसे लिखते थे, तो आप इस dy by dt को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें, आपका आंसर क्या आ गया, 16 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो d² y / dt² पॉजिटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, मिनिमा। क्यों, क्योंकि d² y / dt² अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट क्या है, तो आपको यह भी पता लगाना आ गया कि टाइम t इक्वल टू 1/4 सेकंड पर आंसर क्या बोलना है, मैक्सिमा नहीं बोलना, आंसर क्या बोलना है, मिनिमा। कैसे चेक करते हैं, समझ में आ रहा है, हालांकि डबल डेरिवेटिव चेक करना यह एडवांस का काम है, इतना नॉर्मल रूटीन में आता नहीं है, चेक करने को आता नहीं है। पहला स्टेप ही आता है, एक बार डिफरेंशिएट करो इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट सेट, मेंस और नीट में आएगा, वाई दे देगा, कहेगा वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, वो आपसे ये चेक करने को नहीं कहेगा कि ये भी बताओ कि वाई मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, पर कहेगा वाई की मैक्सिमम वैल्यू बता दो कब होगी, टाइम टी इक्वल टू 1/4 इज द आंसर, क्लियर है। चेकिंग का काम नहीं आता, चेकिंग एडवांस में आती है, और अगर आ भी जाए तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट को मैथ्स वैसे ही आ जाएगा प्लस टू में, तो वैसे ही वो पेपर क्लियर कर देगा, मेडिकल में रिक्वायरमेंट नहीं चेकिंग की, कोई चेकिंग नहीं, आप ये डबल डेरिवेटिव मत करें, मेडिकल के लोग चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ तक थ्योरी तक कर लें, लेकिन आप मैक्सिमम मिनिमम का एक छोटा क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसको करने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं,
हम एक शीट कर रहे थे, 44 नंबर शीट थी शायद ये रही, ओके ये रहा क्वेश्चन है, 44 नंबर शीट आपकी। एक ब्लॉक है, हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था वैसे, एक ब्लॉक है और मैं ब्लॉक को F4 से खींच रहा हूँ, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, क्वेश्चन में गिवन है, और थीटा विद हॉरिजॉन्टल तो ब्लॉक राइट मूव करेगा, तो पहला काम क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब फोर्स टेढ़ी है टेंशन टेढ़ी है तो उसके क्या बनाने हैं कॉम्पोनेंट्स, तो F का पहला कॉम्पोनेंट F cos थीटा और वर्टिकल F sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, ऊपर, वेट कहाँ होगा नीचे, बॉडी कहाँ मूव करेगी राइट, कौन मूव करवाएगा F cos थीटा, तो F cos थीटा बॉडी को राइट मूव करवाएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी लेफ्ट, क्लियर है यहाँ तक, तो फ्रिक्शन लेफ्ट काम करेगी, और कौन सी फोर्स आगे लेके जा रही है F cos थीटा। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड मिनिमम फोर्स, वो ये भी पूछ सकता था फाइंड फोर्स, उसने क्या पूछा, फाइंड मिनिमम फोर्स सच दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। मैंने कई बार आपको बताया जस्ट स्टार्ट्स मूविंग का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन क्या एज्यूम करनी है जीरो, क्लियर है। अब इसमें ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो ऊपर की फोर्स क्या है एन प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे की फोर्स क्या है एम जे, तो ऊपर की फोर्स n प्लस एफ साइन थीटा, नीचे की फोर्स mg, तो n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई mg माइनस एफ साइन थीटा, क्लियर है यहां तक। अब अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक आगे मूव करे पर एक्सेलरेट ना करे, अच्छा अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट करता तो इक्वेशन क्या बनती, f cos थीटा माइनस f इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो f cos थीटा माइनस f इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर उसने कहा कि एक्सेलरेशन नहीं करवानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू जीरो, तो यहां से F cos थीटा क्या जाएगा F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कराया था लास्ट लेक्चर में, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के पूरे का पूरा N की जगह पुट करेंगे टर्म आएगी, यहां से ओपन करें म्यू से मल्टीप्लाई F वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो यहां से सॉल्व करके F आ जाएगा। यह क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने किया था सेम F आ गया, पर यह गारंटी नहीं है कि फोर्स मिनिमम होगी, फोर्स आ गई कि थीटा एंगल पे, जो मैंने बोला एंगल थीटा तो उसने कहा फोर्स आ गई, पर ये नहीं पता कि ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या क्या होगी, उसने क्या कहा कौन सी फोर्स निकालनी है मिनिमम, तो क्या रूल है अगर आपको मिनिमम फोर्स निकालनी है तो क्या सिखाया था कि आप एफ को क्या कर दो डिफ्रेंशिएट और इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना हो उसको क्या कर देना है डिफ्रेंशिएट और इक्वल टू जीरो, ये सीखा था आज हमने, तो वाई को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है वाई को डिफरेंशिएट, एफ को करना है एफ को डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो जो चीज चेंज हो रही है। अब इस एफ के फॉर्मूले में ना तो म्यू चेंज हो रहा है ना एम ना जी, हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं फोर्स का एंगल, तो मैं ये निकाल के दूंगा कि इतने एंगल पर फोर्स लगाना ताकि फोर्स मिनिमम हो जाए, तो बेसिकली मैं फोर्स अगर मिनिमम निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे एंगल बताना पड़ेगा 30 डिग्री 60 डिग्री कितने डिग्री पे फोर्स लगे ताकि फोर्स मिनिमम आए। तो जो चीज निकालनी है थीटा निकालना है तो फोर्स को थीटा के साथ डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, एफ की वैल्यू पूरी की पूरी यहां पुट कर दी, कैलकुलस याद करो कॉन्स्टेंट जीरो से कट गया, यू बाई वी का फॉर्मूला डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो कट गया पूरी टर्म जीरो, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा की कॉस थीटा, पूरा डिनोमिनेटर जीरो से कैंसिल, इसको सॉल्व करो सॉल्व करके टैन थीटा म्यू आ गया। ये कंडीशन आ गई कि अगर आप फोर्स को मिनिमम करना चाहते हो तो टैन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए म्यू होना चाहिए, ये हमें पता लग गया। अब मुझे tan थीटा थोड़ा निकालना था, मुझे तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, अब मुझे पता लग गया फोर्स मिनिमम कब होगी जब tan थीटा क्या होगा म्यू हो गया। तो ये बताओ अगर tan थीटा किसी भी ट्राइंगल में म्यू है, म्यू का मतलब म्यू बाय वन एक ही बात है,
तो ट्राइंगल बना के पाइथागोरस लगा दी, तो फिर इसी ट्राइंगल में अगर टैन थीटा म्यू है तो साइन थीटा क्या होगा निकाल लोगे, और कॉस थीटा होगा वो भी निकाल लोगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, क्लियर है। यानी कि अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो टैन इसके इक्वल होना चाहिए, साइन इसके इक्वल होना चाहिए, कॉस इसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये रेशियो सही है तो फोर्स मिनिमम है। अब फोर्स की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो ये निकाली थी, इसके अंदर कॉस की पूरी वैल्यू पुट कर दी, साइन की पूरी वैल्यू पुट कर दी, ताकि फोर्स की वैल्यू क्या आ जाए मिनिमम। तो दिस इज दी वैल्यू फॉर मिनिमम फोर्स।